अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम रोट बना रहे हैं जो मुहर्रम में बनते हैं। रोट बना रहे हैं, 1 किलो आटा है, आधा किलो रवा है, गुड़ है, 1 किलो गुड़ लिया हमने, इसको गर्म पानी में मेल्ट करके इस तरीके से छान के रख लिया। इलायची है, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, सौंफ, घिसे हुआ खोपरा, घी, खरबूज तरबूज के बीज। इसको हल्का सा भून लेना है, इसको जलाना नहीं है, कलर चेंज करना नहीं है इसका, बस इसकी एक इसमें जो मॉइस्चराइज रहता वो खत्म हो जाना है। ये रवा हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, इसको इस तरीके से निकाल देंगे। खोपरा पाउडर है ना, वो खोपरा पाउडर है, इसको पूरा सा मिक्स कर लेंगे। आप हाथ साफ धो लीजिए और हाथों से मिक्स कीजिए। हाथों से मिक्स करने से अच्छा फ्लेवर आता, अच्छा टेस्ट आता। इसी तरीके से सारा आटा गूंद के रख लेंगे। हम लोगों के पास मेंबर ज्यादा है, इसके लिए हमने आटा ज्यादा लिया। आप लोगों का नहीं, जितने मेंबर्स है उतना ले सकते, उतना ड्राई फ्रूट ले सकते।
भून के हमने रख लिया है, आप भी ऐसे भून के रख लीजिए। एक घंटा रेस्ट दीजिए, एक घंटा दो घंटे जितना भी रेस्ट देंगे उतना इसमें रवा है फूल के अच्छा मजा आता है इसमें, आप एक घंटा रेस्ट कर। हमने आटा भून के एक घंटा रख लिया है, आटा अच्छी तरीके से भून गया है। अब इस तरीके से आप कितने बड़े कितने छोटे मोटी या पतली हो ना आप इस तरीके से बना ले सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट पहले से है ये गार्निश के लिए पिस्ता। ये क्या है अम्मी? ये चिरौंजी है। इसी तरीके से सारे रोट बना के रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से सारे रोट बना के हम रेडी कर लेंगे। जोर से बात करो, जोर से। रोट हमारे चूल्हा स्लो रखिए, आप धीमी आंच पे रखिए, अच्छी तरीके से पकते। मोटा बन गया है हमारे आपा, जितना मोटे हैं उतने मोटा बन गया देखिएगा, उनको पतले पसंद नहीं है। हमारे आपा देखो इतने मोटे, बताओ इस तरीके से पलटाना है हमारे, और साइडों में घी डालेंगे। कितने मिनट पकाया हमें? 5 मिनट पकाना है एक तरफ 5 मिनट पकाना है। ये साइड में गाभी के नहीं पकाए तभी चल जाता। मैं अभी 3 डाले थे ना, एक कहीं को है, 2 इधर है, बताओ यहाँ है 2 इधर है। रोट बन के हमारे तैयार हो गए, ये देखिए इस तरीके से कड़क हो गए। इसको हवा में रखने से सब कड़क हो जाते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। खा के देखिए, बहुत टेस्टी है। इसी तरीके से आप बना के देखिए, कमेंट्स करिए। अल्लाह हाफिज़।